हरे कृष्णा। शंख बजाने के लिए सबसे बड़ी गलती हम जो करते हैं वो ये है कि हम टेक्निक को यूज़ करने की बजाय दम लगाते हैं, प्रेशर देते हैं, पावर का यूज़ करते हैं। ये सब में नहीं जाना है, एक स्पेशल टेक्निक है और शंख बजाना एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो देखिए, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। शंख जनरली तीन प्रकार के होते हैं और ये तीनों प्रकार के शंख मैं स्पेशली खोज के लाया हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये शंख, इसकी खासियत है कि इसके जो होल है यहाँ पे हल्का सा टूटा हुआ है। तो बहुत शंख ऐसे होते हैं जहाँ पे ये जो लाइन है ये स्ट्रेट सर्कल नहीं रहती, कहीं तो डिस्टॉर्टेड होता है। दूसरे तरह का शंख है जिसमें बहुत शैलो है, जो अंदर का जो खड्डा है वो एकदम डीप नहीं है, और ये वाला जो शंख है इसमें थोड़ा सा डीप होल है। अब ये तीनों तरह के शंख किस तरह से बजाए जाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं एक शंख ले लेता हूँ। सबसे फर्स्ट चीज़ है कि शंख को हमने थोड़ा सा पानी डाल के गीला कर लिया, और बजाने से पहले अपनी टंग से अपने लिप्स को भी गीला कर लेना है, इस तरह से। अब टेक्निक क्या है, ध्यान से समझिए। ये जो शंख का होल है, इस शंख के पूरे होल को पूरी तरह से उसको सील कर देना है। सील करना इस तरीके से कि आप जब अंदर हवा छोड़ेंगे तो यहां से बाहर से कोई भी हवा लीक नहीं होनी चाहिए। आपके मुंह से जो सारी हवा है वो शंख के अंदर ही जानी चाहिए। तो पहली चीज ये, इस तरीके से बिल्कुल भी हवा बाहर नहीं निकलनी चाहिए, बिल्कुल सारी हवा आपके मुंह से शंख के अंदर ही जानी चाहिए, बिल्कुल भी लीकेज नहीं होना चाहिए बीच में। इस तरह से आपको यहां से अपने होठों से इसके कवरिंग को सील कर देना है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ ऐसे हवा छोड़ने से शंख नहीं बजेगा। पहली टेक्निक आपने समझ ली, अब दूसरी टेक्निक क्या है उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, आपके जो लिप्स हैं इसको शंख का जो होल है उसके अंदर ऐसे पूरा बड़ा सा होल बना के अंदर हवा नहीं छोड़नी है। अंदर सिर्फ एक हवा की स्ट्रीम जानी चाहिए, एक फाइन स्ट्रीम, और उसमें आपका लिप्स हल्के से वाइब्रेट होंगे तो वो आवाज को ये शंख एम्पलीफाई कर देता है। अब समझ गए शंख क्या कर रहा है। देखिए, इस आवाज को ये एम्पलीफाई कर देता है। तो देखिए, मैंने शंख को गीला कर रखा है, अपनी टंग से लिप्स को भी गीला कर देता हूं, फिर इसको पूरा यहां से सील कर दिया, और अंदर एक स्ट्रीम, एक छोटी सी धारा हवा की मैं छोड़ूंगा। इतना आसान। अब दूसरे केस में क्या होता है, जब अगर ये शंख थोड़ा शैलो है, उसका छेद ज्यादा डीप नहीं है, तो चांसेस रहते हैं कि वो हमारे होठ जो हैं वो अंदर जब हम स्ट्रीम दे रहे हैं ना तो अंदर हमारे होठ चिपक जाते हैं और शंख की आवाज ऊपर नीचे होती है। देखे इस तरीके से। अब इस केस में क्या करना है, आपको स्ट्रीम में थोड़ा सा पावर देना पड़ेगा ताकि जो आपके होठ हैं वो शंख के अंदर आपस में चिपक ना जाए और शंख की आवाज दब ना जाए। देखिए, अब तीसरा और आखिरी केस, ये जो होल है यहां पे ये टूटा हुआ है, थोड़ा सा खड्डा है। अब इस केस में क्या करना है, आपके जो लिप जो है वो इस होल को भर देने चाहिए अपने लिप से। थोड़ा सा शायद आपको दर्द हो सकता है, लेकिन ऐसे कवर करना पड़ेगा तभी ये शंख अच्छे से बजेगा। एक तरह से डिफेक्टिव शंख है, लेकिन बहुत सारे शंख इस तरीके से आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे शंख को आपके लिप को उसमें कवर हो जाना है।